गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर के बारे में, ट्रांसमिशन मीडिया। जैसे हमने पढ़ा था केबल के बारे में कल, आज इसी तरह हम बाकी जो ट्रांसमिशन चैनल है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम मॉडम से। देखिए मॉडम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं पहले। देखिए मॉडम क्या होता है आपका, मॉडम आपका किन्हीं दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर, एक डिवाइस होता है जो दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं मॉडम। क्या होता है कि किन्हीं दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं मॉडम। तो देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। मॉडम इज ए डिवाइस दैट कैन That can be either internal or external in our computer। देखिए क्या कह रहा है कि मॉडम एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर के इंटरनल यानी कि अंदर भी हो सकता है, एक्सटर्नल यानी बाहर भी लगा हो सकता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर भी लगा हो सकता है और बाहर भी लगा हो सकता है। किस लिए यूज करते हैं हम उसको, कि नहीं दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है इसका, इट कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर एंड ट्रांसफर डेटा और टेलीफोन लाइन। देखिए क्या कह रहा है, इट कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ठीक है। क्या करता है कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और डेटा को ट्रांसफर करता है, किससे, टेलीफोन लाइन के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये है आपका मॉडम का, मॉडम का वर्क क्या करता है, क्या नहीं। यह एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर के इंटरनल में यानी कि अंदर भी लगा हो सकता है या फिर बाहर भी लगा हो सकता है, ठीक है। दूसरा कि यह एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और डेटा ट्रांसफर करता है टेलीफोन लाइन के द्वारा, समझ गए। तो नोट कीजिए आप इसको, हो गया सभी का। अब देखिए दूसरा, देखिए
हमारे पास क्या है, राउटर। राउटर देखिए क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, ये भी क्या करता है, कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये आपका इंटरनेट से भी कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, समझ गए, यानी कि इंटरनेट से भी ये कंप्यूटर को कनेक्ट करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, राउटर। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम, देखिए राउटर क्या होता है, राउटर इज ए हार्डवेयर डिवाइस। कैसा डिवाइस है ये, हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। दैट राउट डेटा फ्रॉम ए लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि हम क्या बोलते हैं, लैन टू अनदर नेटवर्क कनेक्शन। देखिए क्या कह रहा है, राउटर इज ए हार्डवेयर डिवाइस, क्या है ये, कि ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को सेंड करता है, यानी कि डेटा को ट्रांसफर करता है, रिसीव करता है, किससे, लोकल एरिया नेटवर्क से, यानी कि आपका लैन जो नेटवर्क है उसके थ्रू डेटा को कनेक्ट करता है, सॉरी कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, ठीक है, और डेटा ट्रांसफर करता है, समझ गए। देखिए सेकेंड पॉइंट है इसका, देखिए इसका मतलब क्या होता है, राउटर किसकी तरह काम करता है, राउटर एक्ट लाइक ए कॉइन स्टोरिंग मशीन, एक ऐसी मशीन जो सिक्के स्टोर करती है उसकी तरह काम करता है, कैसे, कि ये अलाउ करता है, परमिशन देता है उसी को जो जिसके पास में, जैसे आपके पास में आई कार्ड है, आपके पास में आई कार्ड है तभी आप स्कूल में एंटर कर सकते हो, कि पता लगता है कि आप उस स्कूल के स्टूडेंट हो, ठीक है। इसी तरह राउटर भी अलाउ करता है उन्हीं लोगों को जो लोग इसके अंदर ऑथोराइज्ड हैं, यानी कि इसके थ्रू जिनको कनेक्शन मिला हुआ है या फिर जिनको परमिशन दी हुई है, उन्हीं लोगों को अलाउ करता है कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। तो ये था आपके राउटर के बारे में,
नोट कीजिए। हो गया सभी का। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है जैसे कि हम अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप इसको YouTube के माध्यम से देखेंगे इस वीडियो को, तो YouTube क्या कर रहा है, मेरी वीडियो को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, यानी कि आप लोगों को देखने के लिए, ठीक है, उसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट। अब जैसे आप कोई सीरियल देखते हो टीवी के अंदर, तो वो क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, यानी कि एक किसी भी मीडियम से हम तक पहुंचाया जा रहा है, ठीक है, और वो सभी लोग देख रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। समझ गए, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट टू ऑडियंस इन द वर्ल्ड Via any audio or video communication medium. देखिए क्या कह रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट, यानी कि अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये वीडियो भी है और ऑडियो भी, यानी कि साथ साथ मेरी आवाज भी आ रही है, तो इसको क्या कहते हैं, ऑडियो एंड वीडियो। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो का मतलब है कि या तो ऑडियो, जैसे कि आवाज हम रेडियो के अंदर सुनते हैं, सिर्फ हमें आवाज आवाज सुनाई देती है, वीडियो यानी कि हम टेलीविजन के अंदर देखते हैं, ठीक है, तो ऑडियो और वीडियो को लोगों तक पहुंचाने के लिए, वर्ल्ड में लोगों तक पहुंचाने के लिए किसका यूज करते हैं, एनी ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन मीडियम, यानी कि ऐसा कोई डिवाइस, ऐसा कोई मीडियम जो लोगों तक ऑडियो या वीडियो पहुंचाता है, ठीक है, जैसे आप टीवी में देख रहे हो तो वो भी तो हमारे पास किसी डिवाइस के थ्रू आ रही है, तो क्या करता है ये, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब लोगों के पास में पहुंचाना, यानी कि टीवी के अंदर रेडियो के अंदर ब्रॉडकास्ट करना, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। देखिए usually
अब देखिए जो भी नेटवर्क रेडियो वेव के थ्रू कनेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं हम, ब्रॉडकास्टिंग। जैसे हमने हमारा जो रेडियो है, हमारा जो टीवी है, वो कैसे कनेक्ट हो रहा है, वो कनेक्ट हो रहा है आपका रेडियो वेव के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, जो रेडियो वेव के थ्रू आपके जो भी वीडियो ऑडियो का जो कंटेंट है वो ब्रॉडकास्ट होता है उसे क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, जो आप लाइव देखते हो या फिर रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो वो सब क्या होती हैं, ब्रॉडकास्ट होती हैं, यानी कि आप तक पहुंचाई जाती हैं वो। ठीक है, एग्जांपल देखिए इसका, किस किस के ऐसे कौन कौन सी मीडियम है जिसके थ्रू हमें ब्रॉडकास्टिंग मिलती है, सैटेलाइट, रेडियो वेव, एंड माइक्रोवेव। किस किस के थ्रू हमें ब्रॉडकास्टिंग मिलती है, सैटेलाइट के थ्रू, जैसे आपके डिश कनेक्शन वगैरह है, ये सब रेडियो वेव के थ्रू और माइक्रोवेव के थ्रू हमें ब्रॉडकास्टिंग मिलती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, ये था आपका, ये सब आते हैं आपके वायरलेस ट्रांसमिशन चैनल के अंदर, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए।